तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे गॉस थ्योरम। और गॉस थ्योरम या गॉस लॉ, और इसमें सबसे पहला टॉपिक जो हम लेकर चलेंगे वो होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विच पासिस परपेंडिकुलर फ्रॉम एनी सरफेस, किसी सरफेस के परपेंडिकुलरली पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब अगर मैं इस चीज को देखूं तो बेसिकली हुआ क्या, ये सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ड्रॉ करूं तो शायद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ये रहेंगी। आप देख सकते हो मैंने यहां पर फ्लक्स को, फील्ड लाइन को सरफेस के परपेंडिकुलर बनाया। बच्चों, ये जो फ्लक्स है ना, ये फ्लक्स का मतलब होता है टू फ्लो परपेंडिकुलर। हम यहां पर बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता। अगर यही पर हम बात करते लिक्विड की तो ये वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स के तौर पर कैलकुलेट करते, तो फ्लक्स जो है ना दिस इज टू फ्लो परपेंडिकुलर। अब अगर मेरे पास में ये सरफेस है और इस सरफेस को अगर मैं देखूं तो सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस सरफेस के परपेंडिकुलर पास हो रही है, तो ये फील्ड लाइंस फ्लक्स है। फ्लक्स को जो रिप्रेजेंट करते हो वो फाई से रिप्रेजेंट करते हो, और फाई का मतलब होता है फाई इज टेकन एज वेक्टर ई डॉट ए यूनिट वेक्टर एन। यहां की स्पेशलिटी है ये जो ए यूनिट वेक्टर एन है इसको कहा जाएगा एरिया वेक्टर, यानी कि एरिया इन एन पर्टिकुलर डायरेक्शन। आप इसको किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में लेकर चलोगे। वैसे एरिया क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन यहां पर आपने एरिया को क्या करा, वेक्टर बनाया। कैसे वेक्टर बनाया, आप क्या करते हो, जो भी कोई सरफेस है ना उस सरफेस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो। इस परपेंडिकुलर की अपनी एक डायरेक्शन होती है, यूनिट वेक्टर एन। तो ये जो यूनिट वेक्टर एन है इसकी दो स्पेशलिटी होंगी यूनिट वेक्टर एन की। नंबर वन, परपेंडिकुलर टू सरफेस, ये परपेंडिकुलर होगा सरफेस के। नंबर टू, ऑलवेज आउट। तो जो भी आप सरफेस मान के चलोगे उस सरफेस में उसके लिए ये क्या करेगा, हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो आप इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हो। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर मैं इसको ऐसे कहूं तो यही चीज बन जाएगी वेक्टर ई डॉट वेक्टर ई। अगर मैं इस पूरी बात को फिर से एक बार इस फॉर्मूले को लिखूं, तो अगर मैं इसी फॉर्मूले को लिखूं तो यह होना चाहिए ई ए कॉस, तो मेरी बात बनेगी ये थीटा पर। थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ई एंड वेक्टर ई, और ए जो है बेसिकली, आपको मैं फिर से कहूंगा मैं ए नहीं लिखूंगा, ये ए यूनिट वेक्टर एन लिखूंगा, यानी कि ई और यूनिट वेक्टर, यानी कि सरफेस की रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए। आप जो फील्ड लाइन्स है ना उन फील्ड लाइन्स को आप फ्लक्स बोल रहे हो, लेकिन कौन सी फील्ड लाइन को, ऑल द फील्ड लाइंस विच आर पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू द सरफेस। इट मींस ऑल द फील्ड लाइंस विच आर परपेंडिकुलर आर द फ्लक्स, बट दोस फील्ड लाइंस विच आर नॉट परपेंडिकुलर आर नॉट बेसिकली फ्लक्स। तो कहने का सेंस होगा कि ऑल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स आर द फील्ड लाइन, बट ऑल द फील्ड लाइंस कैन नॉट बी फ्लक्स, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सरफेस पे ये हमेशा परपेंडिकुलर हो। क्यों, क्योंकि मैं इस सरफेस की बात कर रहा हूं, मैं यहां पर मेटीरियल की बात नहीं कर रहा हूं कि ये क्या है, ये कोई भी एक सरफेस हो सकती है, ये इमेजिनरी भी हो सकती है, ये रियल भी हो सकती है, ये कोई भी एक कंडीशन हो सकती है। अगर मैं इसी को दूसरी तरह से लेके चलूं कि मैं मान लूं कि मेरे पास में सरफेस कुछ ऐसी है, और उसके बाद में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ये आता है इंक्लाइन होकर, दैट मीन्स द फील्ड इज नॉट परपेंडिकुलर टू द सरफेस,
इन दैट सिचुएशन व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल बी पुटिंग एन नॉर्मल, आई विल बी ड्रॉइंग एन नॉर्मल हेयर यूनिट वेक्टर एंड देन आई हैव टू सी व्हाट इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द ई एंड द एरिया वेक्टर एंड इन दैट सिचुएशन यू कैन गो फॉर द कंपोनेंट ई कॉस थीटा एंड द सेकंड कंपोनेंट इज ई साइन थीटा. And the flux is basically meant by to flow perpendicular. That means I have to go for only E cos theta. Or you might say the pi is the component of the field which is perpendicular to the surface E cos theta into A. So you may say that this is E A cos theta. Otherwise, again you can say this is vector E dot A unit vector. So this is your flux. And when you write down the unit of it, so the unit, SI unit of electric flux, this is pi, E is the strength of electric field, this is Newton per Coulomb, A is the area, this is meter square. So, aap keh sakte ho, this is Newton meter square per Coulomb. And this is a scalar quantity. It is a scalar. So the formula for the flux is always phi equal to E dot A or E dot unit vector. Statement of Gauss theorem. तो एक बार ध्यान रखना, जो स्टेटमेंट है ना किसी भी तरह का, जैसे कूलम्स लॉ था, कूलम्स लॉ के स्टेटमेंट में उसकी लिमिटेशंस या उसकी इंपॉर्टेंस कैरेक्टरिस्टिक थे, इसी तरह से गॉस लॉ के स्टेटमेंट में भी इसकी अपनी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. गॉस लॉ बेसिकली क्या कहता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई पासिंग थ्रू एनी क्लोज सर्फेस any closed surface of any shape in free space is 1 over epsilon naught times to the charge enclosed इन द सर्फेस. तो जो स्टेटमेंट है ना, अगर उस स्टेटमेंट को गौर से देखा जाए तो स्टेटमेंट में क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सर्फेस, दैट मीन्स यू आर रिक्वायर्ड टू टेक अ क्लोज सर्फेस. अगर यहां पे क्लोज सर्फेस नहीं होगी तो हम क्या करेंगे, चार्ज के चारों तरफ एक क्लोज सर्फेस मानेंगे. और ध्यान रखिएगा उस सर्फेस को हम कहेंगे गॉसियन सर्फेस. वैसे तो ये थ्योरम किसी भी शेप के लिए वैलिड है, लेकिन सीबीएसई में आपसे मोस्टली कहा जाएगा सिमेट्रिकल के लिए. देन आफ्टर यू कैन सी दैट इट इज इन फ्री स्पेस इज 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट. यानी कि अगर मैं इसी को यहां से इस लाइन को चेंज कर देता, मान लीजिए मैं यहीं से इसको चेंज कर देता, तो मैं क्या लिखता, ऑफ एनी शेप इन एनी मीडियम इन एनी मीडियम इज 1 ओवर एप्सिलॉन टाइम्स टू चार्ज enclosed इन द सर्फेस. तो यू हैव टू बी वेरी स्ट्रिक अबाउट योर राइटिंग enclosed इन सर्फेस. तो अगर मैं बात करता हूं फ्री स्पेस की तो 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट, अगर मैं बात करता हूं मीडियम की तो ये, यानी कि मेरा जो फॉर्मूला होगा phi इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट चार्ज का q टाइम्स, देख सकते हैं आप. लेकिन अगर मैं मीडियम के लिए लिखूंगा तो फाइव इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन. आप देख सकते हो दोनों में डिफरेंस. और यहीं से आपको दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट तौर पर मिल जाती हैं कि अगर ये फाइव मीडियम है तो फाइव मीडियम बेसिकली, अगर मैं इस एप्सिलॉन को डिफाइन करूं, सिंस एप्सिलॉन इक्वल टू होता है के इंटू एप्सिलॉन नॉट, यहां पर के क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी,
या फिर आप इसको डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, तो फाई ये वाला अगर मैं इसे फाई डैश मान लूं तो ये हो जाएगा 1/k ε0 into Q, तो आपके पास में जो रिजल्ट होगा फाई डैश इक्वल टू फाई अपॉन क्यू हो जाएगा, फाई अपॉन क्यू। यानी कि मीडियम के बदल देने पर डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू का टाइम डिक्रीज कर जाता है, सॉरी उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स 1/k टाइम हो जाता है। दूसरी बात, ये जो फ्लक्स है किसी भी कंडीशन में, चाहे इस कंडीशन में लें चाहे इस कंडीशन में, ये जो फ्लक्स है बच्चों ये डिपेंड कर रहा है केवल किस पर, परमिटिविटी, नंबर टू केवल किस पर, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पर। अगर देखा जाए तो फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट, और यहां पर लिख दिया गया है एनी शेप, तो यहां पर लिख दो एनी साइज, क्योंकि फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। मैं इस बात को कैसे कह सकता हूं कि मैंने माना कि कहीं पर, ये स्टेटमेंट मैं हटा रहा हूं, कि मैंने माना कि कहीं पे मेरे पास में प्लस क्यू चार्ज है, मान लीजिए इन द रीजन ऑफ ए स्पेस दैट देयर इज अ प्लस क्यू चार्ज, तो मैंने मान लिया मेरे पास में प्लस क्यू चार्ज है किसी एक रीजन ऑफ स्पेस में, और इसके चारों तरफ मैंने एक इमेजिनरी सरफेस मान लीजिए, फ्लक्स कैलकुलेट करना था, तो मैंने मान लिया ये चार्ज इंक्लोज है इस सरफेस के अंदर। अगर मैं इसी चार्ज को एक बड़ी सरफेस के अंदर इंक्लोज कर दू, अगर मैं इसकी रेडियस आर मानता हूं और इसकी रेडियस अगर मैं 2R मानता हूं या 3R मानता हूं, तो आप देख सकते हो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस दोनों कंडीशन में सेम रहेगी, यानी कि दोनों कंडीशन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, सेम रहेगा। जितना फ्लक्स यहां से आउटवर्ड है उतना फ्लक्स यहां से भी आउटवर्ड है, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डिपेंड करती है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पर, ये इस पर डिपेंड नहीं करती है कि चार्ज किस सरफेस के अंदर रखा है। यानी कि अगर मुझसे कहा जाए इधर और इधर फ्लक्स का रेशियो निकालो, ये सरफेस 1 है ये सरफेस 2 है, तो मेरे लिए रेशियो ऑफ द फ्लक्स, इस सरफेस का नाम 1 इसका नाम 2, तो फाई 1 मेरे लिए क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट रहेगा, तो बच्चों फाई 2 भी मेरे लिए क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट रहेगा, ठीक है, यानी कि दोनों का रेशियो 1:1 होगा। तो फ्लक्स दो बातों पर डिपेंड कर रहा है, फ्लक्स की डिपेंडेंसी को जो दिखा रहे हैं, नंबर वन फ्लक्स डिपेंडेंसी ऑफ फ्लक्स, नंबर वन फ्लक्स इनवर्स ऑफ द के है, के इज अ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दूसरी बात फ्लक्स इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस कह दीजिए या शेप और साइज कह दीजिए, तो आपके पास में फ्लक्स की दो बातें रहेंगी, ठीक है। अगर मैं कहूं, मान लीजिए हाइपोथेटिकल सिचुएशन लूं, एनओपी नोट में लेकर चलता हूं, यह सवाल कई बार आया हुआ है, इफ कूलम्स लॉ is applied for या is it true for 1/r^3 in place of 1/r^2। मान लीजिए आज से कूलम्स लॉ में चेंज आ गया कि कूलम्स लॉ 1/r^2 के रूल को ना फॉलो करते हुए 1/r^3 को फॉलो कर, उस कंडीशन में अगर मैं फ्लक्स की बात देखूं, देन फ्लक्स, क्योंकि मैं फ्लक्स को कहता हूं फाई इक्वल टू ई इंटू ए, ई क्या होता है यहां पर, ई स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू पॉइंट चार्ज तो ई जो होगा बच्चों ये 1/4πε0 और क्यू ओवर आर स्क्वायर होगा जिस डिस्टेंस की बात कर रहा हूं। तो मैंने माना कि मेरे पास में मान लीजिए ये वो सरफेस हो गई जिसने चार्ज को इंक्लोज कर रखा है, तो कोई भी सरफेस जो चार्ज को इंक्लोज करती है ना उसका नाम रखा जाता है गॉसियन सरफेस,
दिस इज योर गॉसियन सरफेस, ठीक है। अब मैं अगर इसके रूटू यहां पर फील्ड निकालता हूं तो फील्ड ये ज्यादा होगा ई। अगर मैं फील्ड को कैलकुलेट कर रहा हूं तो इस जगह पर मैं एक छोटा सा एलिमेंट्री सरफेस लेकर चलूंगा एन। अगर मैं यहां पर इस ई की वैल्यू पुट कर दूं तो फाई मुझे मिलेगा 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट, और ये आर स्क्वायर नहीं, यहां पर आर क्यूब हो गया। क्यों? क्योंकि कूलम्स लॉ एप्लीकेबल है आर क्यूब के लिए। तो मेरा फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर क्यूब, और इसके चारों तरफ मैंने जो माना है ये स्फेरिकल सरफेस है। तो स्फेरिकल सरफेस यानी कि इसका सरफेस एरिया लगेगा 4 pi आर स्क्वायर। आप देख सकते हो इसका जो रिजल्ट आएगा ये आ जाएगा q ओवर एप्सिलॉन नॉट इनटू r, यानी कि फ्लक्स डिस्टेंस डिपेंडेंट हो जाएगा जो कभी हो नहीं सकता, यानी कि यहां पर जाकर गॉस थ्योरम फेल हो जाएगी। तो यहां से जो आप कंक्लूजन निकालोगे, कूलम्स लॉ और गॉस लॉ ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है, और कूलम्स लॉ आर स्क्वायर के लिए एप्लीकेबल है तो ही गॉस लॉ आपके लिए एप्लीकेबल होगी, अदरवाइज गॉस थ्योरम फेल हो जाएगी। तो मैं मान के चलता हूं कि कूलम्स लॉ एप्लीकेबल है 1/r² के लिए, और उसकी हेल्प से प्रूफ ऑफ गॉस लॉ कर। ध्यान रहे ये केवल उसी कंडीशन में पॉसिबल है जब कूलम्स लॉ एप्लीकेबल है 1/r² के लिए। तो प्रूफ ऑफ गॉस लॉ, लेट अस कंसीडर अ प्लस क्यू चार्ज इज लोकेटेड इन फ्री स्पेस। मान लीजिए टू फाइंड इट्स फ्लक्स, इसके फ्लक्स को फाइंड करने के लिए वी ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस अराउंड इट। क्योंकि ये पॉइंट चार्ज है तो इसकी सिमेट्री स्फेरिकल होगी, इसीलिए जब मैं प्लस क्यू चार्ज बनाऊंगा और इसके चारों तरफ जब गॉसियन सरफेस लूंगा तो वो स्फेरिकल शेप में होगी। तो आपने ना एक बात को जरूर ध्यान में रखना कि आपके पास में जो चार्ज ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उस चार्ज ऑब्जेक्ट की सिमेट्री क्या है। सिमेट्री मतलब जैसे कि मान लीजिए कि पॉइंट है तो पॉइंट के चारों तरफ सिमेट्री स्फेरिकल होगी। अगर आपको पुराने वीडियो याद हो तो मैंने आपसे कहा था लाइन चार्ज पेन जैसा, तो इसके चारों तरफ सिमेट्री सिलेंड्रिकल होगी, ठीक है। तो ये मेरे पास में सिचुएशन है, मैंने माना कि मेरे पास में ये, इसका नाम रखा मैंने गॉसियन गॉसियन सरफेस। ये गॉसियन सरफेस हो गए, इसके ऊपर मैंने छोटा सा कहीं पे एक पार्ट ले लिया, क्योंकि 3D फिगर बना रहा हूं इसलिए मैंने यहां पर ना लेकर यहां लिया। अब इसकी जो फील्ड लाइंस होंगी वो रेडियली आउटवर्ड होंगी, तो यहां से फील्ड आउटवर्ड ये जा रहा है। अगर मैं इस जगह पर एरिया वेक्टर बनाऊंगा तो वो ये आएगा एन, और आप देख सकते हैं दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। मैंने मान लिया गॉसियन सरफेस की रेडियस आर है, वी ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस अराउंड द चार्ज, ठीक है। लेट रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस इज आर। अब आप देख सकते हो मेरे पास में ये गॉसियन सरफेस, ठीक है। अगर मैं इसके लिए फ्लक्स का फॉर्मूला लगाता हूं तो डी फाई पूरी सरफेस का फ्लक्स फाई, तो इस वाली सरफेस का डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए यूनिट वेक्टर, डी ए इज द एरिया ऑफ दिस पार्ट। सिंस ई इज पैरेलल टू यूनिट वेक्टर एन, तो डी फाई इक्वल टू मैं लिखूंगा ई डी ए कॉस जीरो। कॉस जीरो वन होता है फॉर होल सरफेस, डी फाई इक्वल टू ई क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ, इस इंटीग्रेशन को हम कहते हैं क्लोज इंटीग्रेशन। क्लोज यानी कि ये जो सरफेस जिसकी आप बात कर रहे हो बंद है, ठीक है। ये बनेगा फाई
ई की वैल्यू कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग में 1/4πε0 q/r² सरफेस एरिया का इंटीग्रेशन 4πr² अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास में रिजल्ट आएगा φ=q/ε0। तो आप देख सकते हो कूलम्स लॉ का कि हेल्प से गॉस थ्योरम का प्रूफ हो सकता है। अगर कूलम्स लॉ 1/r² के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा तो गॉस थ्योरम कुछ और बनकर। तो ये जो था बच्चों, ये था गॉस थ्योरम का प्रूफ, एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ में सबसे पहले मैं लेकर चल रहा हूं प्रूफ ऑफ कूलम्स लॉ। प्रूफ ऑफ कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ क्या कहता है? कहीं भी दो चार्ज पार्टिकल के बीच का फोर्स Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर के प्रोपोर्शन में होता है। मैं इस फॉर्मूले को ड्राइव करूंगा गॉस लॉ को लगाते हुए। गॉस लॉ का जब आप यूज करते हो तो आप क्या करते हो, नंबर वन, लेट देयर आर टू चार्जेस, प्लस Q1 एंड प्लस Q2 इन फ्री स्पेस एट डिस्टेंस आर। तो मैंने माना कि यहीं पे एक प्लस Q1 चार्ज, यहां पे प्लस Q2 चार्ज, दोनों के बीच के डिस्टेंस जो है वो R। अब अगर मुझे कहा जाए कि इसमें किसी का फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो जिसका फ्लक्स कैलकुलेट करना है Q1 या Q2 का, मैं उसके चारों तरफ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बनाऊंगा। लेट फ्लक्स ऑफ द Q1 इज टू बी कैलकुलेटेड, तो लेट फ्लक्स ऑफ द Q1 इज टू बी कैलकुलेटेड। तो मैंने माना कि ये चार्ज Q1, ये चार्ज Q2, अगर मैं इसके चारों तरफ गॉसियन सरफेस मानूं तो एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बननी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, वो गॉसियन सरफेस कुछ ऐसी है, देख सकते हैं, ये थोड़ा सा ठीक है, ये गॉसियन सरफेस है, इसका नाम आप रख सकते हो गॉसियन सरफेस, ये गॉसियन सरफेस है, यहां पे चार्ज Q2। तो बड़ी मजेदार बात हो गई कि चार्ज Q2 गॉसियन सरफेस की पेरिफेरी की लाइक कर। और मैंने अपनी कन्वीनियंस के लिए थोड़ी देर के लिए से यहां से हटाया, मान के चल रहा हूं यहीं पर ही है, लेकिन मैंने यहां पर एक एलिमेंट्री पार्ट मान लिया सरफेस का, जिसके ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां कहीं जा रहा होगा ई, और यहां कहीं पर एरिया वेक्टर होगा एन, और इसी जगह पर प्लस Q2 की लोकेशन है। तो आप देख सकते हो ये चार्ज अपने अंदर से फील्ड लाइंस दे रहा है, कुछ इस तरह से जाती है फील्ड लाइंस, यहां पर मैंने एरिया वेक्टर बनाया। अगर मैं फ्लक्स d φ = फिर से वही एक्सप्रेशन लिखूंगा e.da यूनिट वेक्टर n, ध्यान रखना मैं पूरे एक्सप्रेशन में एरिया वेक्टर dA नहीं लेकर चलूंगा, मैं हमेशा एरिया वेक्टर को कैसे लेकर चलूंगा, dA यूनिट वेक्टर n लेकर चलूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे आगे कन्वीनियंट होगी, और आप जब प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ना तो आपको भी कन्वीनियंस रहेगा, आपको भी सहूलियत रहेगी कि ये बेसिकली हो कह रहा है। अब अगर मैं यहां पर लिखता हूं तो e dA cos 0, ये d φ हो गया, पूरी सर्फेस के लिए d φ = e, और ये हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ dA। बच्चों ये जो E है ना, ये स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसकी है? प्लस Q1 की है। तो अगर आपको याद करो, यहां पे मैं लिखता हूं E = आप पढ़ते थे F/Q0, क्यों? क्योंकि आपने Q0 नाम का टेस्ट चार्ज Q1 की फील्ड में रखा था, आज आपने Q1 की फील्ड में Q2 नाम का चार्ज रखा है, यहां कहीं पर प्लस Q2, ये इसकी लोकेशन है, तो यहां पर आ जाएगा Q2। तो इसीलिए मैं यहां पर इसके बदले लगा दूंगा F/Q, आप देख सकते हो ये हो जाएगा φ f/Q2, और ये हो जाएगा 4πr², और इस φ को क्या लिखूंगा मैं, इस φ को लिखूंगा q/ε0। कौन सा चार्ज?
जो इस सरफेस के अंदर इंक्लोज है, सिंस phi इक्वल टू क्यू वन ओवर एप्सिलॉन नॉट, सो क्यू वन ओवर एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू एफ इंटू फोर पाई आर स्क्वायर अपॉन क्यू टू. तो एफ का फॉर्मूला आ जाएगा वन ओवर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्क्वायर. आप देख सकते हो दिस इज द प्रूफ ऑफ द गॉस कूलम्स लॉ विद द हेल्प ऑफ द गॉस थ्योरम. ठीक, तो हमारा सेकंड एप्लीकेशन है टू फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज. अब अगर इसको याद करो, तुमने कूलम्स लॉ की हेल्प से जब कैलकुलेट किया तो तुमने माना कि कहीं पे प्लस टू चार्ज है, इससे आर डिस्टेंस पर फील्ड कैलकुलेट कर रहे थे, यहां पर टेस्ट चार्ज रखा और आपने यहां पर फोर्स निकाला वन ओवर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट ओवर आर स्क्वायर, या आर डिस्टेंस थी, और बाद में फॉर्मूले में पुट करा एफ अपॉन क्यू नॉट. ध्यान रखना कूलम्स लॉ से कोई भी फील्ड की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला लगाकर करोगे. लेकिन अगर गॉस थ्योरम की हेल्प से इस पॉइंट चार्ज का फील्ड कैलकुलेट करोगे तो यहां पर फोर्स नहीं कैलकुलेट करना है, यहां पर सबसे पहला काम लेट प्लस क्यू चार्ज इज लोकेटेड इन स्पेस, इन फ्री स्पेस. तो हमने मान लिया कि हमारे पास में कहीं पर प्लस क्यू चार्ज है. ठीक है, टू फाइंड द फ्लक्स वी ड्रॉ a Gaussian surface around it. हम इसके चारों तरफ एक Gaussian surface मान लिए. तो मैंने मान लिया कि यहां पे अंदर प्लस क्यू चार्ज और इसके चारों तरफ spherical Gaussian surface, ये चार्ज. अब अगर मैं इसके ड्यू टू मान लू इसकी ये रेडियस आर, दिस इज गॉसियन सरफेस, अगर मैं यहां कहीं पे एक छोटा सा पार्ट मान के चलूं एलिमेंट्री सरफेस, तो इसके ड्यू टू जाने वाला फील्ड कुछ ऐसे दिखेगा ई. और अगर इस सरफेस पे एरिया वेक्टर ड्रॉ करूं मैं तो दिस इज यूनिट वेक्टर एन, और अगेन ई एंड एन आर पैरेलल. क्यों? क्योंकि फील्ड रेडियली आउटवर्ड जा रही है, और अगर इसके छोटे से सरफेस पे एरिया वेक्टर बनाऊंगा वो भी आउटवर्ड जा रहा होगा, तो दोनों अपने आप में एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे. और अगर ऐसा होता है तो फ्लक्स डी फाइन इज ई डॉट डी ए यूनिट वेक्टर एन. इसे लिखूंगा मैं, डायरेक्ट चलता हूं मैं ई क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डीए, क्योंकि यहां पे लिख देता हूं इसे मैं ई डीए कॉस जीरो. ये हो जाएगा फाइ ई, इसका सरफेस एरिया फोर पाई आर स्क्वायर, इस सरफेस के अंदर इनक्लोज चार्ज हो गया क्यू, तो फ्लक्स हो गया क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट E इंटू फोर पाई आर स्क्वायर. तो E का फॉर्मूला बनेगा वन ओवर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर. देख सकते हो द सेम फॉर्मूला बट विदाउट कैलकुलेटिंग द फोर्स. बेसिकली दिस इज गॉस लॉ. तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हो फोर्स की हेल्प लिए बगैर, कूलम्स लॉ की हेल्प लिए बगैर, आप यहां पर क्या करते हो? नंबर वन, आप एक चार्ज के चारों तरफ एक सरफेस बांध, और जरूरी नहीं है कि आपको पॉइंट चार्ज हो, आप यहां पर कोई भी कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लेके चल सकते हो. तो सबसे पहले आपका काम होगा उसके चारों तरफ एक इमेजिनरी सरफेस बनाना, और उसका नाम रखोगे गॉसियन सरफेस. फिर उसके ऊपर एक छोटा सा एलिमेंट्री सरफेस बनाना, उससे डायरेक्शन ऑफ फील्ड शो करना, उस सरफेस पर एरिया वेक्टर बनाना, देन थर्ड स्टेप में एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल चेक करना, फिर उसके बाद में प्रोसीड. तो ये कुछ स्टेप्स हैं जिसमें आपने गॉस थ्योरम को ध्यान में रखना है.
The next application, number 3, strength of electric field due to a long wire. हम यहां पर strength of electric field long wire की calculate करेंगे, ठीक है? याद करो पिछले videos में हमने calculate करा strength of electric field with the help of Coulomb's law, long wire का. आज हम calculate करेंगे इसको with the help of the Gauss curve. और आप देखना दोनों में difference क्या है. यहां पर फिर से मैं बात वही लेकर चल रहा हूं कि मेरे पास में एक लॉन्ग वायर, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. मैंने मान लिया इसकी लाइन चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा, जिसको आप क्यू अपॉन एल और डी क्यू अपॉन डी एल कह सकते. अगर मैं इसका फील्ड लाइन का पैटर्न बनाऊं, हालांकि मैंने प्रीवियस वीडियोस में ही बनाया था, ज्यादा से अच्छा रिवाइज करने के लिए एक बार मेरे पुराने वीडियो जरूर देख लीजिएगा. इसी तरह से मैं यहां पर बना सकता हूं, ये वेक्टर दोनों तरफ इक्वल लेंथ के होंगे. और ये लॉन्ग वायर है तो इसलिए काफी लंबा एक्सटेंडेड होगा पॉजिटिव चार्ज. और अगर मैं इसकी सारी सरफेस को कन्फाइड करूं तो ये कुछ ऐसे आएगा. अब अगर मैं यहां से देखूं तो मेरे पास में ये जो सिलेंडर बना तो ये पेन की शेप में हो गया कुछ इस वाले. और अगर ये पेन है, ये मान लीजिए ये वायर, तो इसके चारों तरफ गॉसियन सरफेस, ये पेन हो गई, तो इस पेन में तीन सरफेस मुझे मिलेंगी. नंबर वन, वन कंटिन्यूस इज द क्लोज सरफेस कर्व. सेकंड सरफेस ये हो गई अंदर, थर्ड सरफेस इज दिस. तो मेरे पास तीन सरफेस होंगी. ये तो मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को शो करने के लिए बनाया, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड है. अगर मैं इसका दूसरा डायग्राम लेकर चलूं फ्लक्स कैलकुलेट करने वाला, तो ये मेरे पास में वायर और इसके ऊपर ये गॉसियन सरफेस. दिस इज गॉसियन सरफेस. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड यही जाता हुआ. अब मेरी रिक्वायरमेंट होगी इसके ऊपर एरिया वेक्टर चूज करने की. तो एक एलिमेंट्री सरफेस मैंने कंसीडर करी कर्व सरफेस पर, यूनिट वेक्टर n, वन मान लिया. एक मैंने एलिमेंट्री सरफेस कंसीडर करी यहां पर, यूनिट वेक्टर n2. एक मैंने एलिमेंट्री सरफेस कंसीडर करी यहां पर, यूनिट वेक्टर n3. देख सकते. अब अगर मैं आपसे कहूं तो टोटल फ्लक्स क्या होगा, तो डी फाई कर्व प्लस डी फाई फ्लैट वन फर्स्ट सरफेस प्लस डी फाई फ्लैट टू. अब अगर मैं इसको लिखता हूं डी फाई, ये आ जाएगा ई डी ए यूनिट वेक्टर एन वन, ये रहा. यहां आएगा E डी ए यूनिट वेक्टर n2 प्लस E डी ए यूनिट वेक्टर n3. देख सकते हो हेयर n2 एंड n3 आर परपेंडिकुलर टू वेक्टर E. ये दोनों वेक्टर E के परपेंडिकुलर है एंड n1 is parallel to e. तो ये दोनों तो n2 और n3 वाले तो ये जीरो हो गए. तो मेरे पास क्या बचा d phi equal to e d a cos 0. पूरी सरफेस के लिए d phi e
क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी, डायरेक्ट स्टेप लेकर चलता हूं, फाई इंटू टू पाई आर, और अगर ये रिजल्ट बनेगा तो फाई को मैं क्या लिखूंगा, क्यू अपॉन लैम्डा इंटू ई इंटू इक्वल टू टू पाई आर एल, तो ई का रिजल्ट आएगा मेरे पास, मैं यहां लेकर आता हूं उस रिजल्ट को फाइनली, तो ई आएगा मेरे पास में क्यू ओवर टू पाई आर एल इंटू एप्सिलॉन। आप देख सकते हो ये फॉर्मूला बना, ये जो 2 पाई आर एल है ना, ये सरफेस एरिया है, जिस तरह से कूलम्स लॉ में मैंने आपको बताया था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर स्फेरिकल सिमेट्री है, तो जरूरी नहीं है कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई आए हर जगह पर, यहां पर देख सकते हैं आप 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यहां पे आर स्क्वायर नहीं है, आर है, तो ये जो 2 पाई आर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है सिलेंडर का सर्फेस एरिया। आप इसको रीअरेंज करना चाहें तो लिख सकते हैं ई इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर एल, मन करे तो 2 लिख दीजिए, यहां पर 4 लिख दीजिए, ठीक है, क्यू अपॉन एल लैम्डा है, तो रिजल्ट बन जाएगा ई इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर। और अगर इसका पॉजिटिव चार्ज है तो वेक्टर के लिए आप लिखोगे ई इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा ओवर आर यूनिट वेक्टर आर। आप देख सकते ये जो है ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग वायर है। नंबर 4, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लार्ज शीट, एक ऐसी शीट जिसके डायमेंशंस बहुत बड़े, आप इसको इनफाइनाइट लॉन्ग शीट लेके चल सकते, तो यहां पर हम मानेंगे लेट सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ शीट इस सिग्मा, और इस सिग्मा को हम लिखेंगे डी क्यू अपॉन डी ए और क्यू अपॉन, अगर ये शीट है मेरे पास मान लीजिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो इसका जो फील्ड होगा ना सरफेस के परपेंडिकुलर चलेगा, तो अगर मैं फील्ड लाइंस को दिखाऊं तो इसकी फील्ड लाइंस कुछ ऐसी होंगी, ये दोनों तरफ, ये थिन शीट है, लार्ज लेकिन थिन शीट, आप याद कर सकते हो थिन शीट, तो ऐसा फील्ड जो होगा ना वो सारी तरफ होगा। अगर मैं इसके ऊपर गॉसियन सरफेस बनाऊं तो मैं सर्कुलर सिलेंडर भी लेकर चल सकता हूं और क्यूबॉइडल सिलेंडर भी लेकर चल सकता हूं, क्योंकि इसका एरिया डिफाइंड नहीं है। इस सिचुएशन में अगर मैं फिर से देखूं तो एरिया वेक्टर n1, एरिया वेक्टर n2 और थर्ड एरिया वेक्टर कर्व सरफेस पे आ जाएगा बच्चों, ये जो है ये डायरेक्शन ऑफ ई है, ठीक, तो डायरेक्शन ऑफ ई यहां पर पैरेलल, यहां पर डायरेक्शन ऑफ ई पैरेलल, क्योंकि दोनों तरफ चार्ज यूनिफॉर्मली लोड था तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों तरफ जा रहा होगा। टोटल फ्लक्स अगर आप निकालोगे तो डी फाइव ई डी ए यूनिट वेक्टर m1, ई डी ए यूनिट वेक्टर m2, EDA यूनिट वेक्टर n3। हेयर यूनिट वेक्टर n3 परपेंडिकुलर टू E एंड यूनिट वेक्टर n1 एंड n2 पैरेलल टू E, आप देख सकते हो, तो इसके लिए क्या बनेगा d5 EDA cos 0 प्लस EDA cos 0, तो ये हो जाएगा 2 EDA cos 0, तो cos 0 1 होता है तो डी है,
पूरी सरफेस के लिए लगाओगे तो यहां पे क्लोज इंटीग्रेशन आ गया, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2E क्लोज इंटीग्रेशन. आई होप दैट यू विल नॉट माइंड. ये बन गया फाइ 2E क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी. इसे मैं लिखता क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट 2E क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी. अब क्योंकि मुझे सरफेस का एरिया डिफाइन नहीं है तो मैं इस क्यू को मैं क्या लिखूंगा, सिग्मा. ध्यान से देख सकते हैं सिग्मा डी, क्योंकि क्यू है तो क्यू को सिग्मा क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 2E क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी ए. ये कैंसिल हो गया तो E इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन. आप इस रिजल्ट को अगर गौर से देखो तो इसमें डिस्टेंस का कोई फैक्टर नहीं आ रहा है, यानी कि इसकी जो ये शीट है, इस शीट की जो फील्ड है वो डिस्टेंस इंडिपेंडेंट है. अगर आप याद करो पुराने वीडियोस तो उसमें भी मैंने आपसे कहा था कि जो लार्ज शीट होती है उसकी फील्ड डिस्टेंस इंडिपेंडेंट आती है. तो इस कंडीशन में भी जो फील्ड आएगी डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होगी. ये स्केलर फॉर्म है, अगर आप इसको वेक्टर में लिखोगे तो E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट यूनिट वेक्टर है. आप देख सकते